नमस्कार। विंडोज़ 11 में आप ये इंटरनेट स्पीड मॉनिटर कैसे लगाएंगे, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा। अब जो लोग विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, 10 के लिए मैं इस वीडियो बना चुका हूँ। अब ऐसा है कि ये जो 10 वाला सिस्टम है वो 10 पे ही अच्छे से काम करता है, और ये जो 11 वाला आपको बता रहा हूँ ये 11 पे अच्छे से काम करेगा। तो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे में गड़बड़ हो जाती है, तो इस बात का ज़रा ध्यान किएगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें छेड़ के दिखाता हूँ। सेटिंग में चलते हैं, इसकी ये आ गए सेटिंग में। फंट वगैरह चेंज करना है, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका स्टाइल, तो वो भी कर सकते हैं। और साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी हो जाएगा। और बोल्ड कर रखा है मैंने अभी, आप पतला भी कर सकते हैं। और भी तमाम सारी सेटिंग होंगी, मैं इसका पूरा रिव्यू आपको आगे इंस्टॉल करने के बाद दिखाऊंगा। बाकी इसके फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदे मतलब जैसे कि कई बार ऐसा होता है हमारा कंप्यूटर हैक वगैरह हो गया, तो हैकर क्या करते हैं कंप्यूटर से डाटा वगैरह चुरा रहे होते हैं। उस समय आप नोटिस करेंगे कि आपका इंटरनेट यहाँ पे फर्जी में ही यूज हुए जा रहा है, तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि जो लोग मोबाइल वाला इंटरनेट यूज करते हैं जैसे 1.5-2 GB वाला, तो उनका नेट कंप्यूटर बहुत जल्दी खा जाता है, तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि भैया क्यों खा रहा है इतना। बाकी ब्रॉडबैंड वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी चलिए डाउनलोड करते हैं इस काम को करने वाला सॉफ्टवेयर, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना है। मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे गेट इन स्टोर पे क्लिक करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा, स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है ये अब स्टोर के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। काफ़ी छोटा सा है, सिर्फ 6 MB का है। इंस्टॉल होने के बाद ये मैसेज आएगा, ओपन कर लीजिए, ठीक है, सक्सेसफुल आपका काम हो चुका है। यहाँ पे एक बार इसे ओके कर दीजिएगा, एक लिंक ओपन होगा, इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब ये सेटअप आपके कंप्यूटर में आ चुका है, वो देखिए ऊपर दिख रहा है, इसको हम अभी नीचे सेट करेंगे। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे काम करिए, ये जो आइकन दिख रहा है ये उसी सॉफ्टवेयर का आइकन है, इसको पकड़िए और इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब जब भी हमें इसमें कुछ सेटिंग करनी होगी तो आप यहाँ से आके करेंगे। अब रही बात इस वाले भाई साहब की, तो इसको यूँ पकड़िए, कहाँ पर लगाना है आपने, आप यहाँ लगाना चाहते हैं यहाँ लगा सकते हैं। अभी आपको ये इसका ब्लैक सा बॉर्डर दिख रहा होगा, इसको हम ट्रांसपेरेंट भी करेंगे, तो फिलहाल अभी हम जो है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको चमकाने की कोशिश, चलेंगे इसकी सेटिंग में। यहाँ पे सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइट्स सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाइट्स में आपको एक्चुअल स्पीड बताएगा, जितने MB की होगी उतनी MB बताएगा। और फंट वगैरह आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर लीजिएगा। मैं अभी इतने सारे हैं कन्फ्यूजन है, मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बाकी आप साइज़ वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम किया मैंने, वापस से उतना ही कर देता हूँ। बाकी आपको ये पतले लग रहे हैं तो यहाँ से बोल्ड कर लीजिएगा, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ये जो ब्लैक सा इसका बॉर्डर आ रहा है इसको हटाते हैं, काफ़ी सिंपल है इसको हटाना। यहाँ पे कलर पे आइए, यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट है ना, आप चाहें तो वाइट भी करना चाहें तो वाइट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ट्रांसपेरेंट चाहिए, ब्लू है। ट्रांसपेरेंट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब आपका नहीं छेड़ेगा ये आपके टास्क बार में ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। और बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से ये अपनी मैचिंग बना लेता है, कई बार ये बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ट्रांसपेरेंट वाला इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खुद से कोई कलर वगैरह सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन लोगों ने कस्टम के तमाम सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ये ऊपर नीचे वाला सिग्नल है उसका क्या कलर करना चाहते हैं, और भी तमाम सारे ऑप्शन हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम सिंपल है ट्रांसपेरेंट वाला ही यूज करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी इसकी ट्रांसपेरेंट वाली सेटिंग। अब यहाँ से इसको क्लोज करिए, आपका काम हो गया है। कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, ये तो मैंने आपको एक ध्यान दीजिए जो सेटिंग बताई वो डार्क मोड के लिए काफ़ी अच्छी थी। अब एक काम करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को जो है लाइट मोड पे सेट करता हूँ। चलते हैं हम लोग पर्सनलाइज में, यहाँ से एक बार हम कोई लाइट मोड अप्लाई करते हैं। लाइट मोड में देखिए क्या गड़बड़ हुई है, जैसे ही हमने लाइट मोड से सेलेक्ट किया ये ऑटोमेटिक नहीं है। दरअसल अभी ये नया आया ना तो काम कर रहे हैं इस पे सॉफ्टवेयर वाले,
अभी, लेकिन हमें थोड़ा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। लाइट मोड के लिए आपको क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से वही सेटिंग वाले आइकन के ऊपर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। अब ये आ गया वापस से जहाँ पहले था। अब दोबारा से इसकी सेटिंग में चलेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको कलर एंड थीम में ले चलता हूँ। अब आप सोच रहे होगे ये जो ब्लैक ब्लैक सा आ गया है, इसको हटाने के लिए सिंपल है, आप ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा तो ये अपने आप सेट नहीं होगा, यहाँ पे खिचड़ी फैल जाएगी। क्या हुआ है कि ये हमारे टास्क बार का कलर वाइट है, अगर और कोई कलर होता जैसे कि नीला या कोई डार्क कलर होता तो मैच हो जाता, लेकिन अभी मैचिंग तो हुई नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया है। तो हम चाहते हैं इसका कलर अभी लाइट मोड के हिसाब से, बाकी जैसा काला काला है तो ब्लैक ही हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा करने के लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए आप एक काम करिए, वाइट सेलेक्ट करिए पहले, तो वाइट सेलेक्ट करते ही अच्छा हो जाएंगे काले। अब एक जुगाड़ और करना है आपको, ये सेट ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए अक्षर हो गए हैं ब्लैक। तो बस इतना सा काम करना था, बाकी आप इससे काम नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तब भी हो सकता है अक्षर ब्लैक हो जाए, तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, एक दो सेकेंड का काम है, बाकी एक बार का सेटअप है, उसको करने के बाद आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी मैंने बोल्ड कर रखा है, आपको ज़्यादा मोटा लगे तो पतला कर लीजिएगा। अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग और भी है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटो सेलेक्ट NIC का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही मार्क लगाएंगे ये ऑटो सेलेक्ट वाला बंद हो जाएगा, लेकिन इसे आपको ऑटो सेलेक्ट ही रहने देना है। मतलब ये है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम कभी तार वाले इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, कभी ब्लूटूथ से इंटरनेट यूज करते हैं, वैसे ब्लूटूथ से कोई नहीं करता, तो कभी वाईफाई से यूज करते हैं, तो आप जिससे भी इंटरनेट यूज कर रहे होगे ये उसको सेलेक्ट करके स्पीड आपको दिखाने लग जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैनुअल मेरे को इसी तार वाला ही दिखाए या वाईफाई वाला ही स्पीड मीटर दिखाया करे, तो वो सब सेटिंग है यहाँ से वो कर लीजिएगा। अभी मैं जो है इसको ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और भी क्या सेटिंग थी इसके अंदर देख लेते हैं, बहुत कुछ खास तो नहीं है। क्विक लिंक का ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि आप कुछ कंप्यूटर की सेटिंग है डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ खास काम आने वाली हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है। खास खास चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी आपने अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए। चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।